नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में आज हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करके जानते हैं क्या है सच्चाई डेरा सच्चा सौदा की, क्यों आते हैं लोग यहाँ पे, किस तरह का माहौल है, हर एक बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। नमस्कार मैम, आपका नाम? सुखजिंदर कौर। कितने समय तो डेरे जा रहे हो? बचपन तो ही आ रहे हैं। किस तरह का माहौल है डेरे का? बहुत अच्छा माहौल मैम। यहाँ इतने महिलाओं की कितनी सुरक्षा है? बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, जिन्नी सेफ्टी इतने है उन्नी कित होर जगह पर नहीं हो सकती। मैम, गुरु जी ने मानवता की भलाई लिए कि काम चलाए? गरीब लड़कियों की शादी करवाना, खूनदान करना, पेड़ पौधे लगाना, शरीर दान करना, इस तो बिना बहुत सारे काम कर। मैम, अज के समाज में वेख के थोड़ा की लगता है कि गुरु जी की कितनी लोड़ है? गुरु जी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मतलब दुनिया के नशे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो गुरु जी मतलब गाइड करेंगे तो नशे बिल्कुल नहीं होंगे। जो इल्ज़ाम गुरु जी पर लाए जा रहे हैं उस बारे थोड़ी की राय है? बिल्कुल गलत है ये, गुरु जी बिल्कुल सही है। सरकार तो की अपील करना चाहूँ? सरकार को यही अपील कर दें कि गुरु जी ने जल्द तो जल्द रिहा करन ताकि वो दुनिया को सुधार सकन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जिमें कि इन्होंने दसिया कि अज समाज में गुरु जी की बहुत लोड़ है, अज जो है नशा बहुत बढ़ रहा है, उसको रोकने लिए सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी अगर समाज में आ जाते हैं तो जो यूथ है वो सही रस्ते पर चलेगा तो जड़िया बुराइया है वो खत्म हो जाएंगी। इस बारे थोड़ी की राय है, शेयर करना ना भूलो, जुड़े रहो द फैक्ट टाइम।